हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे जा चुके हैं जो कि कक्षा 12 का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको ब्लूप्रिंट डिजिटल की जो है प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल जो हमारा यूट्यूब का है, उसकी प्लेलिस्ट पे ये सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 4 है, जो कि हमारा क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अभी तक हमने लेंस पढ़े, दर्पण पढ़े, उन पर अपवर्तन परावर्तन देखा, और पानी की सतह पर भी अपवर्तन देखा हमने, ठीक है। तो वहाँ हम अपवर्तन परावर्तन पढ़ा है, तो अपवर्तन हमारे लिए कोई नया नहीं है, ठीक है। अपवर्तन हम जानते हैं कि किसी भी सतह, कोई भी सतह हो सकती है, कोई भी सतह जैसे पानी की सतह हो सकती है, या फिर कोई भी और सतह हो सकती है, कांच हो सकता है, कांच की सतह हो सकती है, तो उस पर जब प्रकाश किरण टकराती है तो वो अपवर्तित हो जाती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। इस प्रकार से आती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, और जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो हम यहाँ एक क्या ले लेते थे, अभिलंब ले लिया था हमने, तो अभिलंब के साथ एक कोण बनाती थी आई, और अंदर की तरफ चली जाती थी। यदि ये बाहर विरल माध्यम होता था तो अंदर जाके ये सघन माध्यम में जाती थी, विरल से सघन में, तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती थी, यानी कि आर कोण पर अभिलंब की ओर झुक जाती थी। और यदि ये माध्यम क्या हो जाता था, सघन होता था, और ये माध्यम क्या होता था, विरल होता था, तो सघन से जब विरल में जाती थी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती थी, यानी कि इस प्रकार से, और ये कोण बड़ा हो जाता था, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण अब बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपवर्तन की घटना को देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि प्रिज्म पर यह घटना कैसे होती है, प्रिज्म पर भी अपवर्तन होगा और वो घटना कैसे होगी। तो प्रिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझा देते हैं, क्या कि जो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और प्रकीर्णन है, ये वातावरण में भी देखने को हमें मिलते हैं, हमारी दैनिक जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आकाश की तरफ आप जब देखते हो तो आपको नीला दिखाई देता है, देता है नीला दिखाई। इसके अलावा जब आप पानी की तरफ देखते हो, जैसे कि पानी कोई समुद्र है, या फिर कोई नदी है, या तालाब है, जब आप उसकी तरफ देखते हो दिन के समय, जब सूर्य का प्रकाश जिस टाइम आकाश में होता है, मतलब सूर्य जिस टाइम निकला होता है ना, आप अंधेरे में और सूर्य निकलने से पहले आप इस क्रिया को नहीं करेंगे, आप इस, जब आपको ये घटना समझनी होगी तो आप सूर्य का प्रकाश के समय इसको करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम तालाब को, नदी के पानी को हम जब देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार आकाश जो है दिन के समय में नीला दिखाई देता है, और रात को कैसे काला हो जाता है वो, तो इसका मतलब क्या है कि आकाश परमानेंट स्थायी रूप से काला नहीं है, स्थायी रूप से ना ही काला है और ना ही वो नीला है। वो दिन के समय नीला दिखाई देता है जबकि रात के समय वो काला दिखाई देता है। इसका मतलब आकाश का स्वयं का कोई रंग नहीं है, स्वयं का कोई रंग नहीं है, तो इसका मतलब वो किस वजह से दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश के साथ कोई घटना हो रही है जिसकी वजह से वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं आकाश में, जब नॉर्मली बादल चलते हैं तो वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, मानसून के बादलों को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि मानसून के बादल काले भी होते हैं, परंतु जब हम नॉर्मली बादल को देखते हैं तो वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो वो भी जो घटना होती है वो भी इसी चैप्टर में आप समझेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंद्रधनुष बनता है, क्या बनता है, इंद्रधनुष बन जाता है। तो इन सारी घटनाओं के लिए दो घटनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से जिम्मेवार हैं, जो कि है वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है और प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्या था हमारा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन और स्कैटरिंग के कारण हमें इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। इंद्रधनुष बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ क्या होता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के लिए आपने ये देखा होगा कि जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बारिश में, बारिश के बाद, और जब अचानक धूप निकल आती है,
तो कई जगह ऐसा बनता है, हर जगह ऐसा नहीं बनता, कई जगह ऐसा बनता है कि वहाँ पर इस प्रकार से एक आकृति बन जाती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से आकृति बन जाती है और इसमें अलग अलग आपको क्या दिखाई देंगे? रंग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? रंग, विभिन्न रंग दिखाई देंगे आपको, विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। और ये रंग जो होते हैं, इन सारे रंग जब एक साथ हमें दिखाई देते हैं, यानी कि सात रंग दिखाई देते हैं, सात विभिन्न रंग हमें दिखाई देते हैं, जब सात रंग दिखाई देते हैं एक साथ, तो इसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की घटना बोलते हैं उसे, यानी कि हमें इंद्रधनुष इसको हम कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि इंद्र का धनुष है ये, इसका मतलब परिघटना को एक नाम दिया गया है, जो एक परिघटना होती है जिसमें सात रंग हमें बरसात के बाद सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं। वो सात रंग एक साथ जब हमें एक पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं तो उसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं, यानी कि रेनबो। इंग्लिश में क्या दिखाई दे रहा है? इंद्र का धनुष, जबकि हिंदी में क्या है? रेनबो। बो का मतलब धनुष और रेन का मतलब वर्षा, वर्षा का धनुष। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका केवल एक नाम है, नाम दिया गया है इसको। तो अब कलर कौन से दिखाई देते हैं? कलर इस क्रम में दिखाई देते हैं, विबग्योर इस क्रम में दिखाई देते हैं, जिसमें विबग्योर क्या है, विब क्या है, वी क्या है, वी का मतलब वोयलेट, वोयलेट का मतलब बैंगनी, ये बैंगनी रंग है। ये आपका इंडिगो, जामनी रंग है ये, और ये आपका कौन सा है? नीला, नीला रंग है। ये क्या है? हरा, ग्रीन। ये कौन सा है? ऑरेंज, संतरी रंग, संतरे के कलर का संतरी। ठीक है, संतरी कलर होता है ना, संतरी यानी कि। और ये क्या हो गया? रेड यानी कि लाल। तो इस प्रकार से हमें ये सात रंग दिखाई देते हैं और इन सात रंगों को हम जब एक साथ दिखाई देंगे ना, इंद्रधनुष कहते हैं। प्रिज्म भी यही समान इंद्रधनुष के समान की ही एक कार्य करता है, इंद्रधनुष के समान ही कार्य करता है। उस कार्य को समझने से पहले हम प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हो कि यदि दो समतल पृष्ठ ए बी और ए सी, कौन सी समतल पृष्ठ? ए बी व ए सी दो समतल पृष्ठ हैं। इन दो समतल पृष्ठों को एक कोण ए पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? एक कोण ए पर रखा जाता है, यानी कि दोनों मिलकर एक एंगल ए बनाती हैं, और इनके बीच में क्या होता है? समांगी पारदर्शी माध्यम भरा होता है। तो समांगी पारदर्शी माध्यम एक ही अपवर्तनांक का कांच हो सकता है। ठीक है, तो एक ही अपवर्तनांक का इस दोनों पृष्ठों के बीच में कांच भरा गया है। तो जब ऐसा माध्यम होता है तो ये आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। यह आकृति क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। प्रिज्म यानी कि इंग्लिश में प्रिज्म, पी आर आई एस एम, प्रिज्म कहलाती है। तो ये इसका ये जो सतह हो जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ए बी और ए सी क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जो ये कोण ए बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण ए को अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। और जो BC होता है, ये इसकी आधार होती है। BC क्या होता है? इसका आधार होता है, BC आधार होता है। अब ये भी अपवर्तन का कार्य करता है, ये भी अपवर्तन करता है। तो अपवर्तन कैसे करेगा, तो उसके बारे में समझते हैं। तो मान लिया हमने एक किरण PQ समतल पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। तो पी क्यू क्या है? यहां पे एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। पी क्यू क्यू बिंदु पर आपतित होती है, और क्यू बिंदु पर एम ई हम एक लंब खींच लेते हैं। एम ई क्या कर लेते हैं? लंब ले लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम अभिलंब। तो एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस अभिलंब के साथ ये आई वन कोण बनाती है। क्या बनाती है? आई वन कोण बनाती है। और ये कोण जब बनाती है तो ये अंदर अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होकर ये बिल्कुल ऐसे इस तरह से सीधी जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। ये जाती है इस तरह से और दूसरे पृष्ठ पर आर बिंदु पर टकराती है। अब हमने देखा कि अभिलंब है, तो ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण कौन सी हो गई? क्यू आर।
तो QR कौन सी हुई? अपवर्तित किरण। हम ये मान लेते हैं कि बाहर क्या है, विरल माध्यम, और अंदर क्या है, अंदर सघन माध्यम है। हमने ये मान लिया अंदर क्या है, सघन माध्यम, यानी अंदर कांच है और बाहर क्या है, वायु। तो वायु से सघन उसमें जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अंदर कौन सा कोण बनाती है, आर वन। तो आई वन क्या था, आपतन कोण, आपतन कोण कौन से पृष्ठ पर आपतन कोण है, ये ए बी पर, ए बी पर आपतन कोण है ये। और जब आर वन क्या है, अपवर्तन कोण, आर वन क्या है, अपवर्तन। तो ये अभिलंब से आर वन कोण बनाती है और ये इस दिशा में चली जाती है और आर पर टकराती है और बाहर निर्गत हो जाती है। तो आर एस क्या है, निर्गत किरण। आर एस क्या हो गया आपका, निर्गत किरण हो गई। तो आर एस निर्गत हो जाती है और जब ये यहां टकराती है तो यहां भी एक अभिलंब डाल देते हैं, एन ई, एन ई भी एक अभिलंब है, यानी कि क्यू आर और साथ में एक मिनट एम ई और एन ई ये भी अभिलंब है। तो अभिलंब डालते हैं तो ये कोण आर टू बनाते हुए आर टू आपतन कोण हो जाता है, जो कि ए सी पृष्ठ पर होता है, ए सी पृष्ठ पर ये आपतन कोण है और आपतन कोण बनाते हुए बाहर निर्गत हो जाती है। और ये क्योंकि सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर झुक जाती है, दूर उसके पास नहीं, अभिलंब के पास नहीं जाती, दूर झुक जाती है, यानी कि नीचे की ओर। तो झुक जाती है तो क्या हुआ, ये इधर झुक जाएगी तो कोण कितना बनाया, आई टू। तो आई टू क्या हो जाता है, निर्गत कोण हो जाता है। क्या हो गया, आई टू कोण जो हो गया वो हो गया आपका निर्गत कोण। ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया, आर टू भी आपतन कोण है, कौन से पृष्ठ पर आपतन कोण है, आर टू पर। और ये आई टू क्या था, निर्गत कोण, और इसे आप अपवर्तन कोण भी कह सकते हो, ए सी पर। जब इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और इसे निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये एक बिंदु डी पर काटते हैं और ये कोण बन जाता है डेल्टा। क्या बन जाता है, डेल्टा कोण बन जाता है, डेल्टा कोण। और इसे कहते हैं हम विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है, विचलन कोण बन जाता है, विचलन कोण बन जाता है। तो इस प्रकार प्रिज्म जो है आपतन कर अपवर्तन करता है। अब ये एक चीज और हम पढ़ते हैं कि अपवर्तन जो है, जो प्रिज्म से अपवर्तन होता है और उसमें जो हमारा क्या है, विचलन कोण आया, तो विचलन कोण जो है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। क्या करता है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो विचलन कोण डेल्टा की आपतन कोण पर निर्भरता, ये हम इसका टॉपिक अब देखते हैं क्या होता है इसमें, कि जो डेल्टा है वो किस पर निर्भर करता है, वो आई वन पर निर्भर करता है, कि आई वन यदि बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा या बढ़ेगा, वो हम अब देखेंगे। अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि विचलन कोण डेल्टा की आपतन कोण आई वन पर निर्भरता क्या होती है। हमने बताया कि जो विचलन कोण होता है डेल्टा, ये आई वन पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि बढ़ेगा तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो वो कैसे होगा वो हम समझते हैं। तो हमने देखा कि डेल्टा आई पर निर्भर कर रहा है, यानी कि विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, हम ये देखते हैं कि जब हम विचलन, जब हम आपतन कोण को हमने एक्स अक्ष पर ले लिया, आपतन कोण आई वन को हमने एक्स अक्ष पर ले लिया, और हमने विचलन कोण डेल्टा को कहाँ ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया। और हम जब इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो मान कैसे बढ़ेगा, जब हम प्रिज्म पर ये आई वन है तो ये I1 का मान बढ़ जाए, तो बढ़ेगा किस तरह से, यदि करण किस तरह से जाए, इस तरह से जाए, तो यहाँ जाकर टकराए, फिर इस तरह से जाए या फिर इस तरह से जाए, तो जब एक जब किरण जो होगी नीचे की ओर झुकती चली जाएगी तो ये I1 बढ़ता चला जाएगा, और जब I1 बढ़ेगा
तो सीधी सी बात है, यदि आप ये मान के चलो कि ये अब हमारी क्या है, आपतित किरण, और आपतित किरण तो कोण कितना हो गया फिर, ये I1 कितना हो गया, इतना हो गया। और ये अब ये यदि मैं इसको डोटेड करके बढ़ाऊँ आगे तो ये कहाँ जाएगी, इस प्रकार से ये ऐसे चली जाएगी, और आपतन कोण क्या, जो विचलन कोण क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो विचलन कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। परंतु कोई एक ऐसा बिंदु जरूर आता है इसके अंदर, कोई ऐसा मान जरूर आता है आपतन कोण का, जब ये क्या विचलन क्या कोण क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि जब 10 था, 20, जब 20 डिग्री आपतन कोण था, तब मान क्या था, जब 40 डिग्री आता है, एक मान इसका ऐसा आ गया कि जब 40 डिग्री हो गया कोण आपतन कोण, तो ये इसका क्या हो जाता है, ये शून्य यहाँ पे हो जाता है, शून्य नहीं, ये यहाँ पे आपका न्यूनतम हो जाता है। इस बिंदु पर आकर ये घटता 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 यहाँ तक आ जाता है। जब ये बढ़ेगा तो ये आपतन कोण जब बढ़ेगा तो विचलन कोण घटता है शुरुआत में, क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा इस प्रकार से, और जब ये किरण भी फिर जब ये जाएगी इस तरह से, तो किरण भी क्या होगी, इस तरह जाएगी तो किरण भी ये उधर की तरफ झुक जाएगी, किधर, उधर की तरफ चल जाएगी। तो फिर क्या होगा, इसे पीछे बढ़ाने पर और इसे आगे बढ़ाने पर इस किरण को, तो विचलन कोण घटता चला जाएगा, क्या करेगा, घटता चला जाएगा। परंतु एक निश्चित मान पर, एक ऐसा मान आएगा आपतन कोण का जब ये विचलन कोण क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि I1 के किसी मान के लिए, I1 के किसी निश्चित मान के लिए, निश्चित मान के लिए जो विचलन कोण डेल्टा होगा वो डेल्टा M हो जाएगा, यानी कि मिनिमम, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा, अल्पतम, अल्पतम न्यूनतम एक ही बात है। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, और ये सबसे छोटा मान होगा इस विचलन कोण का। परंतु जैसे ही ये कोण, आपतन कोण बढ़ना चालू हो जाएगा यहाँ से और आगे, यानी कि 40 डिग्री से और बढ़ना चालू हो जाता है, तो विचलन कोण भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाता है। ये प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले जब आपतन कोण बढ़ाओगे तो अब विचलन कोण घटेगा, और जैसे ही आपतन कोण एक निश्चित मान के लिए, फिर डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाएगा, और जब आपतन कोण का और ज़्यादा बढ़ाओगे तब ये डेल्टा भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले आपतन कोण बढ़ता है तो विचलन कोण घटता है, और जब आपतन कोण एक निश्चित मान के बाद फिर आगे बढ़ाया था तो विचलन कोण फिर बढ़ जाता है। तो अब क्या स्थिति आती है, अब हम इनके प्रतिबंध देखेंगे कि आवश्यक प्रतिबंध क्या हैं विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध निकालेंगे हम यहां पर, तो ये कैसे निकलेंगे, हम कहते हैं कि इसमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता, ये हमने किसी एक चैप्टर में इसको पढ़ाया था, आप याद कीजिए, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि अभी हमने किरण कहाँ से भेजी थी, इस वाले पृष्ठ पर PQ भेजी थी, अब हम कहते हैं कि यदि किरण उधर से आए, कहाँ से आए, उधर से आए, यानी कि SR जो आपतित किरण हो, तो जब आपतित किरण इधर से आएगी AC पृष्ठ पर, तो ये निर्गत भी QP पृष्ठ पर वापस हो जाएगी। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है यदि SR आपतित किरण हो, आपतित किरण हो, तब जो QP होगी वो जो आपकी निर्गत किरण होगी, क्या होगी, निर्गत किरण होगी। यानी कि यदि आपतित किरण इधर थी तो निर्गत किरण उधर उधर जा रही थी RS के पथ पर, और जब SR के पथ पर आपतित किरण जाएगी तो वो QP के पथ पर निर्गत किरण बनकर वापस आ जाएगी। तो उस स्थिति में भी डेल्टा बराबर डेल्टा एम होगा, कब, जब I2 का
का कोई ऐसे मान, कोई ऐसा मान आ जाएगा जब ये डेल्टा जो है डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक निश्चित मान के लिए ही आपतन कोण के किसी एक निश्चित मान के लिए ही डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उधर से किरण आ रही है तब भी डेल्टा मिनिमम हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हो सकता है ऐसा तभी संभव है, तभी संभव है जबकि ये दोनों कोण बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं, जबकि I1 बराबर I2 हो जाए। तो यदि I1 बराबर I2 हो जाएगा तब उस स्थिति में आपतन कोण के किसी एक निश्चित मान के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा M हो जाएगा। और जब ये I1 बराबर I2 हो जाएंगे, I1 बराबर I2 हो जाएंगे तब हम R1 बराबर R2 भी हो सकते हैं। यदि I1 और I2 बराबर हो जाएंगे तो R1 और R2 भी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। R1 R2 भी ये बराबर हो जाएंगे, तब हमारे क्या आता है, स्नेल का नियम आता है। स्नेल के नियम से क्या कहा था, स्नेल के नियम ने n बराबर यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन I1 बटे साइन R1, साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन I2 बटे साइन R2, ये हमारा स्नेल का नियम था। तो यहाँ से कुछ प्रतिबंध हैं, जो प्रतिबंध हमने समझे हैं अभी, जो अभी हमने बात समझी है उससे हम कुछ प्रतिबंध पर पहुँचते हैं कि ये न्यूनतम विचलन कब होगा, यानी कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन कब करेगा। तो उस न्यूनतम विचलन के लिए कुछ प्रतिबंध हैं। तो वो प्रतिबंध क्या हैं, ये हम कहेंगे न्यूनतम विचलन के लिए प्रतिबंध, न्यूनतम विचलन के लिए प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है, पहला I1 और I2 ये बराबर होने चाहिए, यानी कि आपतन कोण I1 और जो आपका निर्गत कोण आपका I2, ये आपस में बराबर होने चाहिए इस डेल्टा मिनिमम के होने के लिए। यदि न्यूनतम विचलन आपको चाहिए कि न्यूनतम विचलित हो ये, तो उसके लिए आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा, यदि I1 I2 बराबर होंगे तो I1 में से जब R1 घटा दोगे और I2 में से R2 घटा दोगे तब ये भी बराबर होगा, यानी कि I1 माइनस R1 बराबर I2 माइनस R2 भी आपके लिए बराबर, ये न्यूनतम विचलन के लिए बराबर होने चाहिए। तीसरा बिंदु आता है, हम कहते हैं यदि ये प्रिज्म जो है उसके ये दोनों कोण समान हो जाए, यदि कोण B व कोण C समान हो जाएं तब न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण है QR, तब अपवर्तित किरण QR, अपवर्तित किरण QR आधार BC के समांतर हो जाएगी। किसके हो जाएगी, आधार BC के समांतर हो जाएगी। तो तीन स्थितियां यदि इसमें हैं तो हमारा न्यूनतम विचलन यानी कि डेल्टा जो होगा वो डेल्टा M के बराबर हो जाएगा। कब, जब ये तीन स्थितियां हमारे पास होंगी, यानी कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, I1 और I2 बराबर हो जाए यदि, और यदि B व C समान हो जाएं, ये कोण और ये कोण समान हो जाएं, तो QR जो है अपवर्तित किरण आधार BC के समांतर हो जाएगी, यानी कि QR समांतर हो जाएगी BC के, QR समांतर हो जाएगी BC के। और यदि QR BC के समांतर है, जारी है, तो इसका मतलब ये मिनिमम है, ठीक है। और जब I1 और I2 बराबर है, तो इसका मतलब I1 में से R1 और I2 में से R2 ये भी बराबर हैं यदि,
तो हमारा डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रिज्म विचलन करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट केवल ये है कि जब आपतन कोण जो है बढ़ाया जाता है तो पहले जो है विचलन कोण घटता है और फिर वो एक न्यूनतम मान पर पहुंच करके आपतन कोण के एक निश्चित मान पर ये न्यूनतम हो जाता है और आपतन कोण को जब और बढ़ाया जाता है तो ये बढ़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी प्रतिबंध पूछ भी सकते हैं नहीं भी, बाकी आप ये आपको समझा दिए तो आप इसको याद करके चलिए। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने कलीग्स को बताइए, और जितने भी वीडियोज़ हैं हमारी सारी ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने ये देखा है विचलन कोण और आपतन कोण इसके प्रिज्म के, अभी कुछ इसके सूत्र हैं जो कि अपवर्तनांक हम प्रिज्म का कैसे निकालेंगे उस सूत्र पर चलेंगे, उसके बाद उसके सूत्र को हम अंकिक उदाहरणों से समझेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और इसके लिए हम आगे मिलते हैं। थैंक यू।